विश्व बांस दिवस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का ऑनलाइन लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। बेमेतरा जिले के ग्राम कटिया में भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचे बांस के टावर का निर्माण किया गया है। करीब 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस टावर की ऊंचाई 140 फीट और वजन 7400 किलोग्राम है। पेरिस के एफिल टावर जैसी डिजाइन वाला यह टावर भव्य सृष्टि उद्योग के फाउंडर और बांस प्रौद्योगिकी से जुड़े गणेश वर्मा ने बनाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बांस टावर का लोकार्पण करते हुए कहा कि भव्य सृष्टि उद्योग बांस पर लगातार अनुसंधान कर इसकी नई नई खासियतों को सामने ला रहा है। अपनी नई सोच और पहल से उन्होंने 140 फीट ऊंचा यह टावर बनाया है। यह टावर वजन में हल्का है और इसका जीवन काल कम से कम 25 वर्षों का है। हमारे ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में बांबू के उत्पादन से हम पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे और नए रोजगार की निर्मिति भी करेंगे। चाइना में बांबू की इकोनॉमी 50 लाख करोड़ की है। बांबू से कपड़े बनते हैं, बांबू से जर्सी, अंडरपैंट, बनियन, अलग अलग प्रकार के महिलाओं के ड्रेसेस तक बनते हैं। बांबू से अचार बनता है और विशेष रूप से बांबू से फर्नीचर भी बनता है। और मुझे खुशी है कि आप छत्तीसगढ़ में ही विशेष रूप से इसी प्रयासों से जो हमारा भव्य सृष्टि उद्योग है उनके सहयोग से अभी हमने बांबू के क्रैश बैरियर लोहे के बजाय बांबू के बनाए। ये क्रैश बैरियर 80 किलोमीटर लगभग इसका निर्माण हुआ है। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि बांबू कंस्ट्रक्शन में भी बड़े प्रमाण पर बांबू का उपयोग होता है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आसाम में नुमालीगढ़ में हमारे पेट्रोलियम कंपनी ने बांबू से बायो इथेनॉल बनाया है और जो इथेनॉल पर अब गाड़ियाँ, स्कूटर सब चलने लगी है। इंडियन ऑयल 400 पंप इथेनॉल के डाल रहा है और टोयोटा, बाद में टाटा, सुजुकी, ये तीनों गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन ला रही है। फ्लेक्स इंजन का मतलब जो 100% बायो इथेनॉल पर तैयार चलेगी और जिसमें बांबू से अब इथेनॉल भी बनेगा। इसके साथ साथ पानीपत में इंडियन ऑयल ने एक बड़ा यशस्वी प्रयोग किया है। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और वहाँ परली जो है राइस स्ट्रॉ, ये परली से उन्होंने 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे और उसके साथ साथ वो वहाँ 150 टन डाम्बर बिटुमिन, बायो बिटुमिन बनाया है।